नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पवन है और आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मैंने हाल में कुछ लेसन्स पोस्ट किए थे मेजर स्केल्स पर, माइनर स्केल्स पर, तो बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि मैं डिटेल लेसन्स पोस्ट करूं। जो मैंने स्केल्स दिखाए हैं उनमें से जो स्केल्स जो ज़्यादा पॉपुलर हैं उन पर मैं कुछ लेसन्स बनाऊँ जिन्हें और मैं उन्हें डिटेल में समझाऊँ। तो मेरी ये कोशिश रही है इस चैनल में हमेशा कि लेसन्स ऐसे बनाओ जिन्हें आप देखकर अपने गिटार के स्ट्रमिंग को इम्प्रूव कर सकें और बेहतर बना सकें। कुछ कॉन्सेप्ट सिखाओ जिनसे आपको फ़ायदा हो और आप और भी अच्छा गिटार कॉर्ड्स बजा पाएँ। तो आज के लेसन में एक स्केल पकड़ते हैं जिसका नाम है डोरियन स्केल। इसे डोरियन मोड भी कहते हैं और बहुत से पॉपुलर गानों में ये यूज़ किया गया है और आज भी यूज़ किया जाता है। तो चार पाँच बातें आपके साथ शेयर करूँगा इस स्केल के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे कि इस स्केल में क्या क्या नोट्स होते हैं। मैं वेस्टर्न म्यूज़िक के नोट्स के नाम भी लूँगा और आपको हिंदुस्तानी स्वर के नाम भी बताऊँगा ताकि आप दोनों की तरफ से समझ सकें। फिर देखेंगे कि इन सब नोट्स के साथ आप कौन कौन से कॉर्ड्स बजा पाएंगे अगर गाना इस स्केल पर आधारित है। फिर मैं कोशिश करूँगा कि आपको इस स्केल की पहचान बताऊँ, यानी कि हम कुछ कॉर्ड्स के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे कि इस स्केल की खासियत क्या होती है। गाने जो इस स्केल पर आधारित होते हैं उनमें क्या कॉर्ड प्रोग्रेशंस होते हैं जो कि इस स्केल की खासियत होती है। और आखिर में कोशिश करेंगे कुछ थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। इस स्केल को मोड भी कहा जाता है तो मैं आपको वो भी समझाऊंगा कि इसे मोड क्यों कहते हैं और इस स्केल में जो नोट्स हैं वो किन रागों में आपको मिलेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और जहाँ जहाँ मैं गानों का रेफरेंस करूँगा अगर मैंने उस गाने पर लेसन पोस्ट किया है तो उस लेसन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दूंगा। तो आइए देखते हैं स्केल में क्या क्या नोट्स होते हैं। मान लीजिए आप सी से अगर शुरू करें, यानी कि पहला नोट अगर आपका सी है जिसे हम टॉनिक नोट कहते हैं वेस्टर्न म्यूजिक में, तो सी डी ई फ्लैट एफ जी ए बी फ्लैट और सी, यानी कि सा शुद्ध रे कोमल गा मा पा शुद्ध धा कोमल नी सा। अगर आप डी से शुरू करें तो डी ई एफ जी ए बी सी डी, सा शुद्ध रे कोमल गा मा पा शुद्ध धा कोमल नी सा। अगर आप ए से शुरू करें तो ए बी सी डी ई एफ शार्प जी ए, यानी फिर वही सा शुद्ध रे कोमल गा मा पा शुद्ध धा कोमल नी सा। तो इसी तरह से आप गिटार पर कहीं से भी शुरू करें वही नोट्स की दूरी रहेगी एक दूसरे से, सा शुद्ध रे कोमल गा शुद्ध मा पा शुद्ध ध कोमल नी और सा। अब आइए देखते हैं कि इन नोट्स के साथ आप कौन कौन से कॉर्ड्स बजा सकते हैं। मान लीजिए डी को अपना पहला नोट लेके चले, यानी कि डी ई एफ जी ए बी सी डी। तो पहला जो नोट डी है इस पर हम डी माइनर बजा सकते हैं क्योंकि इसमें डी एफ और ए नोट्स हैं और ये तीनों नोट्स इस स्केल में है। दूसरा नोट है ई। अगर आप ई पर बेस्ड कॉर्ड बजाना चाहें तो ई माइनर बजा सकते हैं आप, क्योंकि ई माइनर में ई जी और बी ये तीनों नोट्स हैं जो कि स्केल में है। लेकिन अगर आप चाहें तो सी मेजर भी बजा सकते हैं जिसमें सी ई और जी नोट्स हैं। आप चाहें तो ए माइनर भी बजा सकते हैं उसमें ए सी और ई नोट्स हैं और ये नोट्स जो है स्केल में है। तीसरा नोट जो है एफ, इस पर आप एफ मेजर बजा सकते हैं, यहाँ पर बजा लें चाहे यहाँ पर बजा लें क्योंकि इसमें एफ ए और सी नोट्स हैं और ये तीनों नोट्स स्केल में है। अगर आप इसमें चाहें तो डी माइनर भी बजा लें क्योंकि इसमें डी एफ और ए नोट्स हैं। इसके बाद जो नोट है जी, इस पर आप जी मेजर बजा सकते हैं क्योंकि इसमें जी बी और डी नोट्स हैं और ये तीनों नोट्स इस स्केल में हैं। जी के बाद आता है आपका ए, आप इसमें चाहे तो ए माइनर बजा लें चाहे डी माइनर बजा लें। इसके बाद जो नोट है बी, इस पर आप चाहे तो जी मेजर बजा लें लेकिन अगर आप बी पर ही आधारित कॉर्ड बजाना चाहें तो इस पर आप बी डिमिनिश बजा सकते हैं, लेकिन चूंकि ये कॉर्ड सुनने में उतना अच्छा नहीं लगता है तो इस पर आप जी मेजर बजाएं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। इसके बाद वाला जो नोट है वो है सी, उस पर आप सी मेजर भी जा सकते हैं, ए माइनर भी जा सकते हैं और उसके बाद जो है वापस हम डी पर पहुंच गए तो डी माइनर। अब आइए देखते हैं स्केल की पहचान क्या है। तो डोरियन स्केल की पहचान के लिए आपको दो चीजें याद रखनी पड़ेगी। पहली बात तो ये कि ये माइनर स्केल है, यानी कि स्केल का जो टोनल सेंटर है, यानी कि जो जिसको हम हिंदुस्तानी म्यूजिक में सा कहते हैं, वेस्टर्न म्यूजिक में टॉनिक नोट कहते हैं, उस नोट पर जो आप कॉर्ड बजा सकते हैं वो माइनर कॉर्ड है। तो अगर आप डी को पहला नोट लेके चले तो डी माइनर है, सी को पहला नोट लेके चले तो सी माइनर है,
और ये को पहला नोट लेके चले तो ए माइनर है। और स्केल की दूसरी पहचान ये है कि इसका जो फोर्थ नोट है यानी कि जो मा है उस पर जो कॉर्ड आप जा सकते हैं वो एक मेजर कॉर्ड होगा। यानी कि अगर आपका डी टॉनिक नोट है तो फोर्थ नोट है आपका जी, इस पर आप जी मेजर बजा सकेंगे। आपने नोट किया होगा कि जनरली जो माइनर स्केल पर गाना होता है अगर मान लीजिए डी माइनर में है तो आप डी माइनर के साथ जी माइनर बजा पाएंगे, लेकिन अगर आप डोरियन स्केल में बजा रहे हैं तो आप डी माइनर के साथ जी मेजर बजा पाएंगे। तो जो भी गाने डोरियन स्केल में बने हुए हैं उनमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो कॉर्ड आपका पहला नोट पर जो है यानी टॉनिक नोट पर, जो कॉर्ड फोर्थ नोट पर है तो पहला जो है माइनर और फोर्थ नोट पे जो है मेजर, इन दोनों कॉर्ड को आप एक के बाद एक बजा के देखें और आप देखेंगे कि बहुत से गाने बने जो डोरियन स्केल में हैं उनमें ये प्रोग्रेशन आपको हमेशा मिलेगा और ये इस गाने को अपनी एक पहचान देता है। जैसे अगर आप डी माइनर में बजा रहे हैं तो मैं आपको बजा के दिखाता हूँ। अगर आप ए माइनर में बजा रहे हैं तो, अगर आप सी माइनर में बजा रहे हो तो, अगर आप जी माइनर में बजा रहे हो तो, अगर आप ई माइनर में बजा रहे हो तो आइए कुछ गानों के साथ बजा के देखते हैं और फिर आप देखेंगे कि इन गानों को अगर आप एक के बाद एक सुने तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा कि ये प्रोग्रेशन इन गानों को कैसे अपनी एक पहचान देता है। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं फिल्म जवानी दीवानी से, गाना है जाने जहाँ ढूंढता फिर रहा। इस पर मैंने बहुत साल पहले एक लेसन पोस्ट किया था, शायद अभी भी होगा यूट्यूब पर। तो ये गाना जो है सी माइनर में है और आप देखेंगे कि कैसे हम सी माइनर से एफ माइनर की जगह एफ मेजर में जाते हैं। तो आइए बजा के देखते हैं। तो अभी आपने देखा गाना जो है डोरियन मोड में होने के कारण सी माइनर स्केल में होते हुए एफ माइनर कॉर्ड की जगह हमने एफ मेजर कॉर्ड का इस्तेमाल किया, तो यही डोरियन मोड की पहचान होती है। तो आइए और एक एग्जांपल देखते हैं, कुमार शानू जी का गाया हुआ चुरा के दिल मेरा, गाना सी शार्प माइनर में है, आइए बजा के देखते हैं। जैसा अभी आपने देखा हम सी शार्प माइनर में बजा रहे थे लेकिन एफ शार्प माइनर की जगह एफ शार्प मेजर कॉर्ड का हमने इस्तेमाल किया। आइए और एक एग्जांपल दिखाता हूँ, बोल ना हल्के हल्के, राहत फतेह अली साहब का गाया हुआ, साथ में महालक्ष्मी जी हैं, बजा के देखते हैं। तो जैसा भी आपने देखा ये गाना ई माइनर में था और ई माइनर कॉर्ड के साथ ए माइनर कॉर्ड जो यूजली हम बजाते हैं उसकी जगह हमने ए मेजर कॉर्ड का इस्तेमाल किया। तो पिछले दोनों एग्जांपल की तरह ये भी जो है डोरियन मूड की ही खासियत होती है। तो आखिरी एग्जांपल देखते हैं फिल्म आशिकी 2 से, सुन रहा है ना तू, बहुत ही फेमस गाना है। ये गाना भी सी माइनर में है और आप देखेंगे कैसे हम इसमें एफ माइनर की जगह एफ मेजर कॉर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो इस गाने की खासियत यह है कि इसमें जो कॉर्ड प्रोग्रेशन यूज किए गए हैं वो डोरियन स्केल के भी थे और नेचुरल माइनर स्केल के भी थे। तो आपने देखा कैसे हम सी माइनर में बजा रहे थे तो कुछ लाइनों में हम सी माइनर और एफ मेजर का हमने इस्तेमाल किया और कुछ लाइनों में हम वापस नेचुरल माइनर मोड में चले गए और हमने सी माइनर के साथ
एफ माइनर कॉर्ड का इस्तेमाल किया गया। तो ऐसे बहुत से गाने हैं जिनमें आप देखेंगे कि माइनर स्केल में होते हुए जो फोर्थ नोट, जो सब डोमिनेंट नोट यानी जो मा नोट है, उस पर माइनर कॉर्ड भी यूज़ किया गया है और मेजर कॉर्ड भी यूज़ किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ इन गानों के ज़रिए आपको थोड़ी बहुत डोरियन मोड की पहचान हो गई होगी। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, आपको दो चार और थियरी के कॉन्सेप्ट्स बताता हूँ। तो ये जो डोरियन स्केल है, इसे डोरियन मोड भी कहा जाता है, क्योंकि जो डायटोनिक मेजर स्केल है, उस स्केल का जो दूसरा नोट है, अगर आप उसी डायटोनिक स्केल के नोट्स को बजाएं और शुरुआत जो है आप उसके सेकेंड नोट से करें, तो वो जो स्केल बन जाता है, तो उसे डायटोनिक मेजर स्केल का डोरियन मोड कहते हैं। यानी कि अगर आप मान लीजिए सी मेजर में बजा रहे हो, तो आपके नोट्स हैं, अगर आप ये जो आपका दूसरा नोट था इसको आप पहला नोट बना के चले, तो आप देखेंगे कि जो सी मेजर में जो नोट्स थे आपके, वही नोट्स आपके डी माइनर में है, अगर आप डी माइनर को डोरियन मोड में बजाएं। तो आप इसे स्केल कह लें, मोड कह लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये माइनर स्केल है और इसमें जो चौथा नोट है, जो फोर्थ नोट है, जिसे सब डोमिनेंट नोट भी कहते हैं, उस पर जो कॉर्ड आधारित है वो एक मेजर कॉर्ड है। और ये जो दोनों कॉर्ड्स का जो कॉम्बिनेशन है, ये स्केल को एक अपनी पहचान देता है। हिंदुस्तानी रागों में बहुत से राग हैं जो कि वही नोट्स यूज करते हैं जो कि स्केल में है। एक तो है काफी राग और एक है भीम पलासी। और बॉलीवुड में बहुत से गाने हैं जो कि इस स्केल पर बनाए गए हैं, बहुत पॉपुलर हैं। आप अगर इंटरनेट पे खोजें तो आपको उनके लिंक्स ज़रूर मिल जाएंगे। मैं कोशिश करूँगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कुछ एग्जांपल्स लिस्ट करके दूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेसन पसंद आया। हमेशा की तरह आपने मुझे कॉमेंट्स और क्वेश्चंस भेजे। मैं कोशिश करूँगा ऐसे और भी लेसन पोस्ट करता रहूँ। तो अगले लेसन तक फिर मिलते हैं। शुक्रिया।